दोस्तों नमस्कार, पलपल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप और ले चलता हूं पलपल जबलपुर। थैंक यू। गुंडागर्दी कर अवैध रूप से रुपयों की मांग करने वाला फरार 5,000 रूपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 60 लीटर जहरीली शराब भी जब्त। कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम के अधिकारियों और कर्मचारियों की नवीन पहल, जरूरतमंद लोगों को वितरित किया भोजन। सभी वर्ग के लोग आ रहे समाज सेवा में आगे। धर्म गुरु स्वामी राघव देवाचार्य ने दिए रेड क्रॉस सोसाइटी को 500 पीपीई किट। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जॉन क्रमांक 5 का लिया जायजा। पॉजिटिव मरीजों के घर जाकर स्वास्थ्य का जाना हाल। कोविड सेंटर के लिए सांसद निवास पर हुई बैठक में कलेक्टर और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। होम आइसोलेशन में रहने वाला कोरोना पॉजिटिव घूम रहा था बाहर, प्रशासन को लगी जानकारी तो दर्ज हो गई FIR। आधारताल में खुली थी दुकानें, SDM ने किया निरीक्षण तो ठोका ताला और लगाया जुर्माना। कोरोना की जांच के बाद 4 दिनों तक भी नहीं आ पा रही रिपोर्ट, मैसेज के इंतजार में दर दर भटक रहे लोग। 16 टन का एक ऑक्सीजन टैंकर विवेक तनखा की मदद से पहुंचा जबलपुर, ट्विटर पर दी जानकारी। आम दिनों के मुकाबले ग्वारी घाट शमशान घाट में ज्यादा भीड़, नंबर लगाकर किया जा रहा अंतिम संस्कार। पलपल जबलपुर टाइम में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए पलपल इंडिया के साथ। पलपल इंडिया परिवार की अपील, इस महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।